सर पूरा कंप्लीट हो गया, खाना वाना भी खा लिया। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं हमारे। मम्मी कितनी पगार दोगे इनको? मम्मी इतना कंफर्टेबल लगता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। से तो गाइस मैं सुबह जब जाती हूँ 5 बजे 4 बजे 5:30 बजे, आज तो जाना है मैं दिल्ली 6:30 बजे, देख रहे हो आप, मतलब कहीं जाना होता है उधर तो शीशा कितना गंदा होगा। शेट। और ये दोनों बहनें सुबह सुबह तैयारी कर रही हैं जाने के लिए। मैं इनको प्यार से गीता और बबीता बोलती हूँ, क्योंकि ये दोनों लगती भी ऐसे ही हैं। कमेंट करके बताना आप लोग। ड्रेस निकालनी सुबह पहनने के लिए, मम्मी की है वो, मेरी है। मम्मी वाला विदर कितना अच्छा हो रहा है। मम्मी पापा कर रहा है पैकिंग। हाँ अब अच्छी हो गई ना, ये पैक होकर देखेंगे। तो हम बना रहे हैं दादा दादी के लिए खाना, क्योंकि मुस्कान पापा ये सब घर पर रहेंगे, मेरा देवर छोटा, मैं मासी हम सब जाएंगे, तो ये खाने की तैयारियां चल रही हैं अभी। ये मैं चाय बना रही हूँ, इसमें मैं सब्जी बनाऊंगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कितना छोटे प्लेट में लेके जा रहे हैं। हम छोटे के फंक्शन में जा रहे हैं, जो मम्मी है, मम्मी की मम्मी मेरी मतलब मेरी सासू माँ चार सिस्टर हैं, तो मम्मी सबसे बड़ी है, फिर मासी है, फिर दो मासी और है, तो उनमें से एक मासी है उनकी बेटी के लड़का, वो ऐसा हम उनका सोचे लेके जा रहे हैं। सोचे क्या लेके जा रहे हैं, उनका उनके फंक्शन में जा रहे हैं। अभी मेरी मतलब मेरी जो मेरी मासी सास और मेरी चचिया सास एक ही है, उनकी मतलब मेरी दीदी का सोचक गया था, उनका अब जैसे दीदी है, तो उनके में क्या हम सुबह 3 बजे जगे थे रिकॉर्डिंग करना, तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि जब घर के फंक्शन होते ना तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप लोगों को पता होगा कैमरे संभालने वाली सिर्फ मैं हूँ, और कोई कैमरा संभालता नहीं है यहाँ पर। तो दीदी के फंक्शन की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, और फिर आधी अधूरी कर पाई थी डांस वांस, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया कि क्या 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 फंक्शन था, क्या स्टार्ट किया था, कैसे क्या था, क्या खाना पीना था, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा वो थोड़ी बहुत डांस की क्लिप थी, तो मैं उसको सोचा मैं क्या अपलोड करूँ, तो आज मेरे को मौका मिला। क्योंकि हमेशा आप भी नोटिस करना कि जब मैं कुछ फंक्शन होता है ना, आदमी सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, तो फिर मेरा आज उनके यहाँ पे फंक्शन है, तो आज तो मैं गेस्ट जाएंगे, मतलब थोड़ी बहुत ही मम्मी है तो मम्मी के पास थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी, तो आज मैंने सोचा आज मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर छोचक कैसे पहनाते हैं। ठीक है गाइस, रोके हम जा रहे हैं। मासी कैसे लग रहा है आपको? हमारी मासी माँ है, हमारी मासी माँ, ये हमारी सासू माँ है। मम्मी इधर देखो, ये मारो बरतार जी है क्या? अरे ये मारो बरतार जी है, हैंडसम गाय है ना, हैंडसम गाय है। लाओ डॉग, डॉग लागू, ये मासी है। और ये जो रेड कलर की पोशाक में आपको दिख रही है, ये है किरण दीदी, इनके ही बेबी बॉय हुआ था। तो ये इनके ब्लैक वाले देवर हैं, क्योंकि जीजू को छुट्टी नहीं मिली थी, तो जीजू जॉब पर थे, तो ये यहाँ पे ऐसे रस्म होती है कि अगर भाई नहीं होता तो उनका छोटा भाई ऐसे जहाँ पे पंडित बैठा होता है वहाँ पे ऐसे लेके जाते हैं। तो अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसी रस्म होती है, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताना। मैं ये सब चीज़ फर्स्ट बार देख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन राजस्थान के कल्चर में आई थिंक ऐसा होता है। तो ये देखो ऐसे देवर लेके जाता है, इसको गठजोड़ा बोलते हैं आई थिंक, जो फेरों पर होता है ना, ये वो वाला जोड़ा है। तो देवर लेके जाता है, और यहाँ पर सारी लेडीज़ गीत गा रही होती हैं, मतलब जो भी अपनी लैंग्वेज में वो गाते हैं तो वही सारा घर रहे होते हैं। तो प्लीज़ भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा होता है या नहीं होता है। यहाँ पर मम्मी वो जो लेन देन वाला होता है मम्मी वो कर रही है, मतलब जो छोचक में लेकर आए हैं क्या लेना है क्या देना है, तो मम्मी बड़ी है तो मम्मी मतलब सारी जिम्मेदारी मम्मी संभालती है, तो मम्मी वही कर रही है, मतलब जो समधिन होती हैं यहाँ पर उनको देना लेना सब मम्मी का ही काम था। और ये रस्म वो है कि भाई अपनी बहन को चुंदरी उठाता है, तो आपको दिख रहा होगा सुरी है, मतलब मेरे हस्बैंड ने वो चुंदरी उठा रहे हैं, वो जो चेक वाले शर्ट वाले वो दीदी के रियल भाई हैं, तो वो भी चुंदरी उठा कर गए, मतलब बारी बारी करके सारे भाई अपनी बहन को चुंदरियाँ उड़ाते हैं। अगर मेरे भी बेबी बॉय होगा तो मेरा भाई भी मुझे चुंदरी उड़ाएगा। आप लोग यहाँ पे चुंदरी उड़ाते हैं नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ये भी मुझे बताना। ये है बाबूड़ा, ये छोटू सा बाबूड़ा है, जीजी को बाबू, इसका छोचक लेके आए हम लोग।
बड़ा है मम्मी, बहुत बड़ा है ये तो, इनके हुआ है बेबी बॉय। बताइयो दीदी, ये इनकी सासू माँ है, हमारा परिवार, ये इनकी सासू माँ दीदी। ये यहाँ पर डांस हो रहा था, तो ये जो फर्स्ट वाली लेडीज है ये मेरी मासी हैं, मतलब मासी को डांस करने का इतना शौक है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देखो क्या फील लेके डांस कर रही है, अब डांस तो कर रही है लेकिन शाम को जाके इनके पैर दर्द करेंगे क्योंकि इनके पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत है। डांस करते इनके गोडे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, आप ये समझेंगे गोडे किसे बोलते हैं, गोडे मतलब घुटना, इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। यहाँ पे सीधा मम्मी कितनी सुंदर लग रही है आज मेरी, पूटरी लग रही, पूटरी। खाने में सबसे पहले सीरा देते हैं उसके बाद खाना देते हैं, खाने में होता है सब्जी दाल रोटी सीरा। ये हमारी मासी मामा मम्मी, बेटा पानी डालो ना, लेते हैं तीन दवाइयाँ लेनी है। ये मम्मी की दवाइयाँ जो फिक्स एक बजे हमको देनी पड़ती है, फिक्स एक बजे ये दवाइयाँ हमको देनी ही पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। घर पर फंक्शन पूरा कम्प्लीट हो गया, खाना वाना भी खा लिया, मम्मी आ रही है, मम्मी सारी लेडीज पीछे हैं, मम्मी आ जाओ, ये खड़ी मम्मी है, ये बड़ी मम्मी है, मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने, मेरी धूप में निकलती तबीयत खराब हो जाती, मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर आते, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। ये सबसे बड़ी वाली बहन, ये दूसरे नंबर की बहन, ये तीसरे नंबर की बहन, और ये चौथे नंबर की बहन, ये चार बहन है, चार बहन ही है, एक तो गीता, एक गीता, ये बबीता, ये सीता, सीता गीता, ये चार बहन ही है। वापस अपने घर आ गए हम लोग, मम्मी और मासी पीछे बैठी हैं, ये ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं हमारे। मम्मी कितनी पगार दोगे इनको? 10,000 तो भी ज्यादा है। अच्छा 10 रुपए ठीक है इनके हिसाब से, अजान 10 रुपए होते आपके लिए? गूंगे आदमी, एक गुड़िया को ले, एक ही ऊपर तो आगे घर गुड़िया खाना तो दे। हाँ ये भी बात है ना, 10 रुपए होते खर्चा ड्राइवर को अपने आप को हो गए खाने पीने को रहने को और क्या। आगे साहब ये हमारे घर की गलियां, खेजड़ी को पेड़ है मम्मी, उसका पेड़ है क्या ये जिस पे, ये हमारे तीन घर, एक दो और तीन, ये हमारा बंगला, गेट खोल, ठोलिया हाउस। आ चुके हैं और मैंने चेंज कर लिया है, मुझे इन कपड़ों में इतना कंफर्टेबल लगता है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे इन कपड़ों में, मतलब सुकून सा आ जाता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं साड़ी पहन पाऊंगी शादी के बाद, ये नहीं किया, ये नहीं वेयर कर सकती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही वेयर कर सकती हूँ, मैं साड़ी भी वेयर नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बहुत। और ये जो मेरे कपड़े हैं मैं इनको समेट देती हूँ, पापा चाय पी रहे हैं, सूरी चाय पी रहे हैं, मम्मी लेट रही है, सो गए, पड़ गए, थक गए थे क्या तुम हैं, ये सो गए, फिर फ़ोन चला लेती हूँ अपना, कल परसों वाला ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ, शाम को क्या बन रहा है क्या हो रहा है। फंक्शन कैसा लगा आप लोगों को हमारा प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है, मिलती हूँ मैं एडिट करके आप लोगों से। मैं सो गई थी और अभी जगी हूँ, मतलब मैं जगी थी 6:30 बजे यार, बहुत थक गई थी, पता ही नहीं चला कब नींद आ गया, और आज मैंने रकड़ी बांधी थी ना तो मुँह पूरे दिन रकड़ी रखी थी तो मुँह ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं किस चीज़ की कमी है फेस पर। सो खाने में बन रहा है फली की सब्ज़ी है, ये फली की सब्ज़ी मम्मी बनाएंगी, दूध गर्म हो चुका है, मैं भी आटा लगा रही हूँ, मम्मी बाहर गई है दूध की बात करने, पापा बाहर बैठे हैं, सूरी बाहर गया, मम्मी का फ़ोन टूट गया था, मम्मी का नुकसान हो गया आज काफ़ी सारा, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, मम्मी का फ़ोन वहाँ टूट गया था, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वो सूरी लेके गया, देखो आज होता है नहीं ठीक, जैसा भी होगा अपडेट में बता दूँगी मैं आपको। आप लोगों को हमारा फंक्शन कैसा लगा, हमारे यहाँ पे चोचा कैसे ही बढ़ते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, आपके यहाँ पे भी ऐसे ही बढ़ते हैं क्या?
तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा के फिर अपन बाकी थोड़ी सी बातें और बाद में कर लेते हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं वही एंडिंग लेना भूल गई थी गाइस, बहुत थक गए थे। मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मम्मी तो शाम को 8 बजे सो गई थी। जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा अजीब सा मन हो जाता है। तो अभी भी देखो मॉर्निंग में हमेशा मम्मी जल्दी जग के, आज मम्मी सो रही क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैं सोचा मैं एंडिंग ले लेती हूँ सुबह सुबह। तो गाइज मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे छोचक कैसे भरा जाता है बहन बेटियों का। जैसे बेबी बॉय होता तो छोचक लेके जाते हैं ना, तो क्या हमारी तरह ही होता है या फिर कुछ अलग होता है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोग ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, तो वो भी कमेंट करना मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट, किसी दिन मैं कमेंटों पे भी वीडियो बनाऊंगी, किसके नेगेटिव कमेंट है, किसके पॉजिटिव कमेंट है, कौन कमेंट करता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना प्यार देने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना अपना। मुझे जितना सपोर्ट तुम करोगे ना मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो ब्लॉग कैसे बनाऊँ, आपको किस चीज़ पर डिमांड है, तो मुझे कमेंट किया करें। अब थोड़ी सफाई हो जाए दिवाली की तो फिर मैं आपको होम टूर भी दूंगी घर का, ठीक है। और बाकी छोटा मोटा तो मैं आपको क्लिप में दिखाई दे देती हूँ। गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, रिलेटिव्स कैसे, मासी वगैरह कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें गाइस, प्लीज़ कमेंट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब तुम लोग इतने सारे ब्लॉग देखते हो तो एक कमेंट करने में क्या जा रहा है, कर दिया करो कमेंट, पढ़ के हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।